प्रणाम श्रीमद्भागवतम को, प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। लव यू मां। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम देखते हैं परीक्षित जी की विरक्ति और सुखदेव जी का आगमन, और इसके साथ प्रथम स्कंध के बाद हम लोग द्वितीय स्कंध कल शुरू करें। हमने देखा था कि दीक्षित जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि उन्हें उनके कर्म का दंड मिला है, अपराध का दंड मिला है, जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए। सब कुछ छोड़कर गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए और बोले, अब तो मरना ही है, तो गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग कर देते हैं। अब आश्चर्य ये हुआ कि राजा परीक्षित के इस निश्चय को सुनते ही सब बड़े बड़े महानुभाव ऋषिगण अपने अपने शिष्यों को लेकर वहां आ गए। बताओ परीक्षित राजा का भाग्य कैसा होगा? वे ऋषि मुनि कौन कौन आए थे उनका नाम भी सुन लें। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शर्दवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधिसुत, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थे, इंद्र प्रमथ, इदम बाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास और नारद जी। बोले, हम इसका मरण देखेंगे तो परीक्षित जी सत्संग के लिए बैठे हैं और ये सब उनका उन्हें सत्संग कराने पहुंचे हैं। देखो भगवान का कैसा संकल्प है, राजा परीक्षित के जैसा मरण तो और किसी का हुआ ही नहीं। इतने सारे ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं ही वहां आ गए। मरण हो तो परीक्षित जी के जैसा, नहीं तो क्या मरना है। इतने सारे ऋषियों को देखकर राजा की समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे ऊपर क्यों कृपा कर रहे हैं, मैंने तो बड़ा नीच कर्म किया है। देखो राजा को अपने अच्छे कर्मों का स्मरण नहीं रहा, एक नीच कर्म के उसी को याद बनी है। राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा नृपानाम महत्मानु गृहनीय शिला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शोचात दूराद विसृष्टम बत ग्रहर गहरे कर्म। सारे राजाओं में मैं सबसे धन्य भाग हूं क्योंकि आप सब महापुरुष स्वयं चलकर यहाँ आ पहुंचे हैं, वह भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि इतना नीच कर्म कर चुका है उस पर कृपा करने के लिए। फिर कहते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गायत विष्णु गाथा का, सांप आएगा और काटेगा, दंश करेगा तो भले ही काटे। अब आप सब भगवान की कथा गाइए, मुझे उन्हीं की कथा सुनाइए, मुझे दूसरी कोई बात नहीं सुननी है। सर्वे वयम तावद हय अस्मेदय क्लेवरम यावदसो विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्य तेयम भागवत प्रधानम। राजा परीक्षित का निश्चय सुनकर सारे ऋषिगण अति प्रसन्न हुए। बोले, ये भागवतों में भक्तों में प्रधान है, जब तक वह तक्षक नहीं आ जाता, इसको जब तक अमर गति प्राप्त नहीं होती, तब तक हम यही बैठे देख रहेंगे। देखो कितनी कृपा है। ऐसा कहकर सब बैठ गए। तब राजा परीक्षित ने कहा, कृपा करके आप मुझे बताइए कि
अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को विशेषकर मरणासन्न मनुष्य को तन मन से कौन सा कर्म करना चाहिए? और तब क्या हुआ? तत्र भगवत भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृश गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालेर वधू तवेश। तब भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी, जो अवधूत वेश में है, कोई वस्त्र पहना हुआ नहीं है, 16 वर्ष की जिनकी आयु है, अलक्ष्य लिंगो जिन पर वर्ण आश्रम का कोई चिन्ह नहीं है, अतः पहचानना कठिन है, निज लाभ तुष्ट जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, आत्म संतुष्ट हैं, वे यूं ही घूमते घामते वहां आगे भगवान ने उनको भेज दिया कि जाओ। परीक्षित बड़ा योग्य और विरक्त है, उसे उतना ही योग्य गुरु की आवश्यकता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु उपायन्ति ते, ऐसा भगवत गीता के 10वें अध्याय में बताया गया। गीता में भगवान जी कहते हैं, जिसने मुझ में ही अपना मन लगा लिया हो, उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। यहाँ सुखदेव जी को भेज दिया। सुखदेव जी में ऐसा आकर्षण कि बहुत सारे बच्चे जो उन्हें जानते भी नहीं, वे उन्हें घेरे हुए थे। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे, नील वर्ण था और उनके सारे अंग बड़े सुदृढ़ और सुंदर थे। भगवान कृष्ण जैसी उनकी आभा थी, शरीर पर धूल लगी हुई थी, नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनका सौंदर्य ऐसा था कि बच्चे तथा नवयुवतियां स्त्रियां सभी अपने आप उनके पीछे चलने लग जाते थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि वे कहाँ जा रही हैं। ऐसे सुखदेव जी वहां पहुंचते हैं और पहुंचते ही देखो कैसा आश्चर्य हुआ। जैसे ही सुखदेव जी सभा में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासन्नेभ्यः सतल अक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। वैसे ही वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और स्वयं सुखदेव जी के पिताजी भी, जो सभा में बैठे हुए हैं, अपने आप आदर भाव से अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। वे सब इनको पहचानते हैं, इनकी महिमा को भी जानते हैं। देखो भागवत के भक्त अनेक हुए, लेकिन सुखदेव जी जैसा कोई नहीं हुआ। श्रोता भी अनेक हुए, लेकिन प्रेक्षक जैसा कोई नहीं हुआ। ये दोनों वक्ता श्रोता ऐसे थे जिन्होंने कथा कहीं और सुनी केवल प्रेम के कारण। इन दोनों को ही कथा कहने तथा सुनने का कोई प्रयोजन नहीं था। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से जब कथा सुनी, तो उसके बाद वे सृष्टि निर्माण के कार्यों में लग गए। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को सुनाया, तो नारद जी भी उसके बाद प्रचार कार्य करते घूम रहे थे, भले ही वे समाज सेवा का कार्य क्यों ना हो। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, तो कथा सुनकर वे भी लोक कल्याण के कार्य में लग गए। यह सुखदेव जी और प्रीक्षित, ये दोनों ही ऐसे हैं जिनका कथा सुनाने और सुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। ऐसे सुखदेव जी को देखकर प्रीक्षित जी को समझ में ही नहीं आया कि आज हुआ क्या है। अब बताओ, ये श्राप था कि वरदान? यदि हम अपने जीवन के समस्त परिस्थितियों को ध्यान से देखें, तो वर्तमान में श्राप के समान लगने वाली बात है, वही आगे चलकर वरदान सिद्ध होती है। परीक्षित के स्थान पर दूसरा कोई होता तो रोने लग जाता कि अब मुझे सांप काटने वाला है, वैसे रोता कि तक्षक को काटने की जरूरत ही ना पड़ती। तीसरे चौथे दिन वह स्वयं ही मर जाता। दूसरे का मरण होता है तो लोग उस पर भी रोते हैं, अरे तुम्हारा मरण होगा, थोड़ा उसके विषय में सोच लो, मरने से पहले क्या करना है जरा यह भी सोच लो, जैसे राजा परीक्षित ने सोचा। अहो अद्य व्ययम् ब्रह्मा सत्सेव्या अक्षत्र बंधवा
कृपया अतिथि रूपेण भवत भी स्थिति भवत भी तीर्थ का कृतः। राजा परीक्षित कहते हैं, आप तो सारे तीर्थ क्षेत्रों की तीर्थ को तीर्थता प्रदान करने वाले हो। आप स्वयं ही मेरे पास पहुंचे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर राजा परीक्षित सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। अतः पृशामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पृच्छत्स्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतं व्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो समर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज, अब मेरे मन में यही एक प्रश्न है, पुरुषस्य म्रियमाणस्य यत् कार्यं, मरना संग पुरुष का क्या कर्तव्य है, यह आप मुझे बताइए। लौकिक बुद्धि वाले लोग तो कहेंगे कि तुम वसीयतनामा लिख दो। कुछ लोग तो मरने के लिए तैयार ही नहीं होते, मरने का समय आ जाए तभी भी ये सोचते हैं कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा ले। न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, बड़े ही दुख की बात है। यद्यपि लोके मरणम शरणम मरने को देखते हैं, फिर भी उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आता। एक सत्संग में किसी ने प्रश्न पूछा कि हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, तो गुरुजी ने कहा, अच्छी प्रकार से मरना यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। अंते नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण स्मरण करते हुए मरना। देखो, आदमी मरते समय कैसे मरा, इसी से उसका सारा जीवन कैसे था यह सिद्ध हो जाता है। कैसे मरना चाहिए यह भी सीखने की बात है। भगवत गीता बताती है कि कैसे जीना है और भागवत बताता है कैसे मरना चाहिए। अब ऐसा मत समझना कि दोनों शास्त्र अलग अलग बात बताते हैं, क्योंकि जो जीना जानता है वही मरना भी जानता है। दोनों में अंतर इतना है कि एक में प्रधानता है जीने की कला की और दूसरे में मरने की कला की। कर्म करते हुए जीने का उपदेश तो उपनिषदों में भी दिया गया है, कुर्वन्ने वहे कर्माणि जिजीवेष्यतगमं समः। लेकिन कर्म कैसे करें, माम अनुस्मर युद्धे च। गीता जी में भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। भागवत में कहा गया, भगवान का स्मरण करते हुए मर जाओ। सही दृष्टि से एक जीना सिखा रहा है तो दूसरा मरना सिखा रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ परीक्षित जी कहते हैं, आप ये बताइए कि मरना से व्यक्ति को किस प्रकार मरना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहम् अधीनाम् न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदे गोदोहनम कश्चित्। भगवान, आप तो किसी भी स्थान पर गाय में को दूने में जितनी देर लगती है उससे ज्यादा समय तक नहीं रुकते, बड़ी कृपा करके आप यहाँ आए हैं। पता नहीं आप कितनी देर तक यहाँ रुकेंगे, इसलिए जितनी देर आप रुकेंगे उतनी देर में यह सब मुझे बता दीजिए। लेकिन सुखदेव जी तो ऐसे प्रसन्न हो गए कि वे पालथी मारकर बैठ गए और कहने लगे, अब तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। परीक्षित जी पर वे ऐसे मुग्ध हो गए, वास्तव में ऐसा शिष्य मिल जाए, एक हो लेकिन कोई ऐसा मिल जाए तो गुरु को कैसा लगता है गुरु ही जाने। और शिष्य को जब ऐसे गुरु मिल जाए तो उसको कैसा लगता है यह भी वह शिष्य ही जाने। यह पहला स्कंध है, अधिकारी स्कंध है। यह श्रोता का भी अधिकार दर्शाया गया है और वक्ता का भी। श्रोता वक्ता दोनों ही अधिकारी होने चाहिए, डिजर्विंग होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, भगवत कथा से प्रेम नहीं,
उस व्यक्ति को कथा कहने का भी अधिकार नहीं। अब हम जो कथा करते हैं उसका प्रयोजन यही हुआ कि ऐसी भक्ति मन में आ जाए, कथा करते करते मन में कुछ भक्ति आ जाए, इसी प्रयोजन से कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। राजा परीक्षित को तो डर था कि कहीं ये शुभ भगवान शीघ्र चले नहीं जाए, लेकिन एवं भाषित पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषित धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी तो उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात की। यहीं से दूसरा स्कंद आरंभ होता है जो कि हम कल देखेंगे। जितना हम इस भागवतम कथा को पढ़ते हैं उतना ही मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, जो भी अगर इस कथा को हम कह पा रहे हैं, इस कथा को हम सुन पा रहे हैं, तो भगवान की बहुत कृपा है। बहुत, मैं स्वयं अपने जीवन में जानती हूँ कि बहुत ही भाग्य से बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ये पल आए जब ये कथा पढ़ पा रहे हैं, इसे बोल पा रहे हैं। तो अगर भगवान की हम पे इतनी कृपा है तो हर समय उनके ध्यान में और उनको ही नमस्कार करते हुए, उनको ग्रेटिट्यूड फील करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए ही हमें जीना चाहिए। यह सबको भाग्य प्राप्त नहीं होता। बस आप सबसे इतना निवेदन है, जो भी सुनना चाहते हैं आपके घर में अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। उन्हें जो बड़े बुजुर्ग हैं जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप उन्हें इसे सुनना YouTube पर कैसे चलाते हैं सिखाइए, और मतलब इससे उनका भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे समाज के निर्माण में अगर हम इतना भी योगदान कर दें कि जो सत्संग है, जो अच्छी बातें हैं, वो हम सब तक पहुंचा दें, तो सबके मनों की शुद्धि होगी और समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा जो कि हम सबके लिए ही बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उनके ध्यान में सदा, आप सब भी आंखें बंद करके उनके ध्यान लगाइए। हरिओम, धन्यवाद।